अगर आपने होस्टिंगर से किसी वेब होस्टिंग प्लान को परचेस किया है और आपको उस होस्टिंग प्लान के साथ जो है एक फ्री में डोमेन मिला है, तब ऐसे में इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा जो आपको डोमेन मिला है होस्टिंग के साथ फ्री में, उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में जो है मैं आपको होस्टिंगर फ्री डोमेन का जो क्लेम करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। तब दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने होस्टिंगर का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। और पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया अपने डोमेन, तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा क्लेम योर फ्री डोमेन। तो यहाँ से आप अपने जो है फ्री डोमेन को क्लेम कर सकते हैं। आपको कैसे करना है ये चीज़ आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा क्लेम डोमेन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके सामने होगी। यहाँ पर आपको जो भी डोमेन चाहते हैं, जो डोमेन आप लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे उसका नाम डोमेन का। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है सिलेक्ट करेंगे आपको कौन सा डोमेन चाहिए, .in चाहिए, .com चाहिए या .org चाहिए। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ एक डोमेन जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं उस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं मिस्टर कैसे MISTERKAISE मिस्टर कैसे डोमेन चाहिए और मुझे जो .in में ही चाहिए। तो यहाँ से जो है मैं .in सेलेक्ट है ऑलरेडी। इसके बाद इस डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ये डोमेन जो है अवेलेबल है या नहीं ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं जो है चेक पर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मुझे बता दे सकते हैं यहाँ पर जो है डोमेन इज अवेलेबल, मतलब ये डोमेन जो है अवेलेबल है, मैं इसे ले सकता हूँ। और यहाँ पर दे सकते हैं पहले ईयर के लिए मुझे जो है डोमेन फ्री मिलेगा, यानी ये फ्री में क्लेम हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो है 699 रुपये पर ईयर का जो है मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा इस डोमेन को। तो इस तरह से आप जो क्लेम कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों आप क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डोमेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लेम डोमेन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर जो है सिलेक्ट कंट्री, तो यहाँ पर मैं कंट्री को सिलेक्ट कर देता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दे सकते हैं आप जो है पर्सनल और कंपनी, आप जो भी हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पर्सनल सेलेक्ट कर देता हूँ, इस पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर दे सकते हैं फिनिश रजिस्ट्रेशन, आपको जो है फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, आपको ये डोमेन मिल जाएगा फ्री में एक साल के लिए। तब दोस्तों इस तरह से आप जो है होस्टिंगर में फ्री डोमेन को क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @MrKaise पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी कभी वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और इसी टाइप की आगे वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।